हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट बीएफयूएचएस की, एमबीबीएस और बीडीएस काउंसलिंग्स की, एंड एक दो कैटेगरीज हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आज हम बात करेंगे बेसिकली जनरल कैटेगरी की, एंड हमारे पास अब वैकेंसी लिस्ट आ गई है कि राउंड वन के बाद अब टेंटेटिव क्या वैकेंसी लिस्ट है, तो उसको थोड़ा सा आइडिया लेके कि क्या अब राउंड टू की कट ऑफ होनी चाहिए। सो व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर राउंड टू, एंड हम बात करेंगे आज जनरल कैटेगरी की, ठीक है ना। एंड राउंड थ्री में क्या हो सकता है, कैसे राउंड थ्री में रैंक जो है वो नीचे गिर सकता है जीएमसी का सीट लेने का। तो पहले राउंड टू की बात करते हैं। फिलहाल हम देख लेते हैं राउंड वन खड़ा कहां है। जीएमसी पटियाला, अगर मार्क्स की बात करूं तो 678 पे खड़ा है। अमृतसर बेसिकली ये 655 पे खड़ा है। फरीदकोट एंड मोहाली ये दोनों 652 पे खड़े हैं। और एक और इनकी टक्कर का कॉलेज यानी कि डीएमसी लुधियाना, उसको भी देख लेते हैं साथ में, ये 670 पे खड़ा है। क्लियर, ये रैंक 131 है। और लास्ट जो गया है वो ये वाला है, मतलब यानी कि बेसिकली रैंक 378, ठीक है ना। तो यहां पे अभी फिलहाल राउंड वन के बाद सिचुएशन खड़ी है। क्लियर, अब राउंड टू में पहले तो कितनी सीट्स अभी वेकेंट है, मतलब कितने बच्चे डेफिनेटली फ्री एग्जिट ले चुके हैं, ठीक है ना। तो वैकेंसी लिस्ट बेसिकली अगर मैं बात करूं तो पटियाला के अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी लिस्ट दिखी है 43, दिखनी चाहिए थी, काफी एक्सपेक्टेड था मेरे ख्याल से सबको, क्योंकि काफी हाई रैंकर्स हैं पंजाब में, 43। अमृतसर की अगर बात करूं तो ये 9 था फिगर, फरीदकोट का 2 है, मोहाली का 1 को रेंडमली याद ही, आई थिंक ये टोटल नंबर बनता है 64 के आसपास। क्लियर, बेसिकली ये मैंने इसलिए लिया बिकॉज ये ही जीएमसी के बारे में ही एग्जैक्टली बात कर रहे हैं, तो 64 से ऊपर ये 64 बच्चे हैं, ठीक है ना, 64 सीट्स हैं कह सकते हैं जिन्होंने फ्री एग्जिट लिया है। तो अब एक बात तो श्योरिटी है कि 378 में तकरीबन 64 तो जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अगर उस हिसाब से बात करें तो ये तकरीबन 442 रैंक पे जा रहा है, एंड 442 रैंक पे अगर मैं बात करूं तो 648 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है ना। अब देखने वाली चीज ये है कि और कितना नीचे जा सकता है, बिकॉज यहां तक तो चलो जाना ही है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात ये डबल डोमिसाइल, अब कहने को चाहे ये बीएफयूएचएस के लिए क्लोज चैप्टर हो, बट ऐसा नहीं है। मैं कितनी बार कह चुका हूं ये बात कि डबल डोमिसाइल के बच्चे जो अप्लाई कर चुके हैं सीएमसी एआईक्यू के लिए, वो बच्चे तो हमें मायने रखते हैं, वो लिस्ट में है और हमारे लिए कंपटीशन नहीं है। लिस्ट का नाम है बस सिर्फ, वो हमारे लिए कंपटीशन नहीं है। तो ऐसे बच्चे जो 652 से नीचे हैं, क्योंकि देखो इसके ऊपर वाले तो छंट चुके हैं ऑलरेडी, वो तो छंट गए हैं, तभी तो 243 सीट्स का बंटवारा 378 रैंक तक आया है, ठीक है ना। तो इन नंबरों के बीच में अगर, क्योंकि यही टेंटेटिव इसके आसपास रह रहा है, तो इन नंबरों के बीच में तो जो हमारे नियरेस्ट क्लोज, मतलब क्लोज नहीं क्या, क्लोज का मतलब तो दो निकल जाते हैं, जो नियरेस्ट स्टेट्स हैं 7-8, अगर उनकी लिस्टों में कंपेयर करें तो 645 से 652 के बीच में जो हमारे पास शीट्स चल रही हैं सबके पास, बच्चों के पास, पेरेंट्स के पास, उनमें 18-19 के आसपास बच्चे हैं, ठीक है ना। अब ये 2-3 बढ़ भी सकते हैं, बिकॉज बहुत दूर की स्टेट्स मैंने नहीं देखी है, हो सकता है उनके किसी बच्चे ने भी अप्लाई किया हो। मैं ये फिगर अराउंड 20 मान लेता हूँ इस 7 नंबर के बीच में, ठीक है ना। मतलब मैंने 645 कंसिडर कर लिया है, 4 बच्चे तो 645 के थे, तो 20 बच्चे ये मान लेता हूँ। और एक और दूसरी बात, अदर कैटेगरीज के, रिजर्व कैटेगरीज के इस पर्टिकुलर सर्कल के अंदर, इतने सिस्टम के अंदर है 23 के आसपास बच्चे। अब अगर ये बच्चे, तो हो सकता है कि ऑलरेडी ये तो इनको जीएमसी आया हुआ होगा किसी ना किसी कैटेगरी में, इन बच्चों को तो ऑलरेडी जीएमसी आया हुआ है, तो ये ओपन स्टेट के लिए फिलहाल एक बार मान के चलिए कि ये कंपटीशन नहीं है, ठीक है ना। तो 20 ये, 23 ये,
और 64 तो सीट्स ही हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों का अगर हम टोटल करें तो ये बनेगा 107, कितना बनेगा 107। और अगर इसको देखें तो ये तकरीबन 485 के आसपास पहुंच रहा है। अब ये है बेस्ट सिनेरियो, क्या है बेस्ट सिनेरियो का टफ है, ये बन गए हैं 645 मार्क्स। अब व्हाट कैन बी द वर्स्ट, वर्स्ट की मतलब कह सकते हैं कौन सी चीजें ऐसी हैं जो इसे थोड़ा सा नीचे गिरा सकती हैं, एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं। अब ये तो मेरे ख्याल से बेस्ट सिनेरियो दिख रहा है कि यहां तक हद मार के जा सकता है, ठीक है ना। और अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो ये 468 पे गया हुआ है। तो अब कौन कौन सी चीजें इसे हैरान कर सकती हैं, ठीक है ना। नंबर वन चीज जो इसे हैरान कर सकती है, कोई टॉपर फ्री एग्जिट लेके बैठा है, अच्छे खासे नंबर वाला फ्री एग्जिट लेके बैठा है, सेकेंड राउंड में फिर से पार्टिसिपेट कर रहा है ना, फ्री एग्जिट लिया और सेकेंड राउंड में स्टेट के रीपार्टिसिपेट कर रहा है, ये तो होने वाला है, किसी ना किसी केस में ये होने वाला है। तो ये बच्चा इंपैक्ट करेगा क्योंकि वो फिर 64 में से कम कर देगा ना नंबर को, ठीक है ना, क्योंकि हमने तो 64 सीधा 378 के बाद गिन लिया, तो वो इंपैक्ट कर सकता है। नंबर टू, कोई भी ऐसा बच्चा, जैसे एक बच्चा था 675 मार्क्स पे या 677 पे आई थिंक, इसके पास EWS कैटेगरी है, ये भी फिलहाल कैटेगरी में सीट लेके बैठा है ये बच्चा। अब जब जीएमसी का कट ऑफ इससे नीचे तो आएगा 678, तो ये बच्चा हमारी जनरल की सीट खराब करेगा। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया, अदर कैटेगरी का जब जनरल की सीट एक्वायर करेगा तो दिक्कत है, ठीक है ना। और ये कल्ला वो नहीं है 652 से ऊपर वाला, बेसिकली इनमें भी अगर ये वाले जो बच्चे हैं जो अदर कैटेगरीज में बैठे थे, इनको जीएमसी मिला हुआ है, इस रेंज वाले लोगों को जिनको जीएमसी ऑलरेडी मिला हुआ है क्योंकि वो अपनी कैटेगरी में पार्टिसिपेट करें मिल चुका होगा, अगर ये बच्चे में से एक दो भी बच्चे ऐसे हुए या पांच सात ऐसे बच्चे हुए जिनको हो सकता है कि अपनी कैटेगरी में भी जीएमसी अमृतसर आ रहा हो, ओपन सीट में भी जीएमसी अमृतसर आ जाए, क्योंकि देखो पटियाला तो यहां तक आना है नहीं, तो पटियाला की तो बात करने की जरूरत नहीं है। अगर इस कैटेगरी का बच्चा पटियाला लेने के लिए इच्छुक है और उसकी कैटेगरी में उसकी सीट बची हुई है तो वो पटियाला ही जाएगा, तो वो अदर कैटेगरी में रह गया, उसका जनरल के साथ कोई लेना देना नहीं। पर अगर इस कैटेगरी का बच्चा जिसको पटियाला ना तो जनरल में मिल रहा है ना अपनी कैटेगरी में मिल रहा है, उसको दोनों चीजें दोनों बार, अब मान लीजिए जीएमसी अमृतसर मिल रहा है या जीएमसी फरीदकोट मिल रहा है, वो अपनी चॉइस अपनी कैटेगरी में भी मिल रहा है और ओपन कैटेगरी में मिल रहा है, तो ऐसे बच्चे भी कुछ ना कुछ, यानी कि जो 645 से 652 की रेंज में है अदर कैटेगरीज के बच्चे, वो जब जनरल में शिफ्ट होंगे तो वो भी अल्टीमेटली हमारे रैंक को गिरा सकते हैं, ठीक है ना। चौथी चीज, ये तो हो गए तीन फैक्टर्स, मेरे पास जगह थोड़ी कम है, फोर्थ फैक्टर जो इसे गिरा सकता है, मतलब सॉरी जो इसको मतलब बेसिकली इससे तो अब नीचे नहीं आएगा, मतलब इससे ऊपर जा सकता है, ठीक है ना, 645 से ऊपर 646-647 की तरफ। तो फोर्थ थिंग वो है राउंड टू में जो री रजिस्टर करना है, इसमें कोई कैंडिडेट आते हैं क्या, सोचने वाली बात है, ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जो घर पे बैठा है, ठीक है ना, और अगर है तो फिर इतने मार्क्स वाला, ठीक है ना, देखते हैं क्या होता है। पर अगर एक दो भी बच्चे ऐसे हो गए किसी भी तरीके से, आई डोंट नो कैसे, पर वो भी हमारी कट ऑफ को, जितने बच्चे होंगे, देखो ये मैं नहीं कहता कि ये पांच होंगे, हो सकता है ये एक हो सकता है कोई भी ना, हो सकता है ये दस हो, ठीक है ना, कितने कितने हैं डजंट नो, वी डोंट नो कितने लोगों ने, कितने टॉपर्स ने फ्री एग्जिट लिया है और वो दोबारा री पार्टिसिपेट करने वाले हैं,
बट इतना पता है कि ये तीन चार फैक्टर ऐसे हैं जो इसे यहां तक आने के लिए रजिस्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, यहां तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए। इन लोगों के अकॉर्डिंग बात यहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए, तो फिर कहां तक पहुंचनी चाहिए, है ना? तो मेरे ख्याल से, ठीक है ना, मतलब अगर ये सारे फैक्टर्स काम भी करे तो ये हायर नोट पे अगर मैं बात करूं, ये पंजाब रैंक है, हायर नोट पे भी अगर मैं बात करूं तो ये 460 से 465 पंजाब रैंक के आसपास तो फिर भी रहेगा ही, ठीक है ना, इतना तो रहेगा ही रहेगा डेफिनेटली, ठीक है ना। अब ये बनते हैं 646 मार्क्स 465 पे अगर मैं बात, तो ये अराउंड यहां रहना चाहिए। अगर बहुत ही बेस्ट केस सिनेरियो है तो 645 के आसपास आ सकता है, ठीक है ना, और अगर थोड़ा सा वर्स्ट केस सिनेरियो रहा, मतलब ये सब चीजें फैक्टर काम करेगी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये 646 पे रुक सकता है, ठीक है ना। हाँ, ये मतलब देखने की बात है, अगर हो सकता है कि मतलब ये बच्चे बहुत ज्यादा हों तो उस हिसाब से ये ऊपर चला जाएगा। मैंने बेसिकली फैक्टर डिस्कस करे हैं कि कौन कौन सी चीजें जो है वो मायने रखती हैं, ठीक है ना, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है ना, ये सब चीजें ऐसी हैं जो मायने रखती हैं हमें, ठीक है ना। जैसे एक आध बच्चे की मतलब इसमें ना एक आध कैटेगरी ये भी हो जाता है, जैसे कोई बच्चा गया, उसे सीट मिल गई थी राउंड वन में, उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई दिक्कत आ गई, जैसे एक दो बच्चों को तो मैं जानता हूँ जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आ गई कोई, तो उनकी फिलहाल सीट कैंसिल हो गई, तो स्कोर तो उनका हायर है, हायर स्कोर है तो फिर वो दोबारा से, तो मतलब बेसिकली जो सीट कैंसिल हुई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, अब वो बच्चा तो दोबारा आएगा, जब बच्चा दोबारा आएगा तो वो तो यार पहले भी इतना तगड़ा था कि राउंड वन में सीट ले गया तो अभी भी लेके जा सकता है। हाँ, पर ये ऐसे एक दो ही होंगे, मतलब ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये सारी चीजें जो मैंने हैं कट ऑफ मार के, मेरे ख्याल से 646 मार्क्स पंजाब मेरिट रैंक, तो देखो थोड़ा बहुत बदल सकता है, पर मार्क्स जो है मेरे ख्याल से 646 के आसपास जा रहा है, और बेस्ट केस सिनेरियो में 645 मार्क्स, ठीक है ना। अब और ये मेरे ख्याल से अराउंड 200 रैंक के आसपास जाएगा, ठीक है ना, 670 के आसपास पहुंच रहा है मेरा आइडिया, ये जीएमसी पटियाला जो है 670 मार्क्स के आसपास पहुंच रहा है, ठीक है ना। ये मेरे अकॉर्डिंग ये 671 हायर नोट है एंड 670 लोअर नोट है, जैसे ये 646 हायर नोट है, 645 लोअर नोट है, ये मेरे अकॉर्डिंग। अब राउंड थ्री में क्या हो सकता है, देखो मैंने पहले भी बहुत बार बोला पल पल में सिनेरियो बदलते हैं, ठीक है ना। तो अभी एनआरआई का जो केस है वो रिजर्व रखा हुआ, उसका डिसीजन, ठीक है ना, उस पर बहुत चीजें डिपेंड करती हैं, क्योंकि वो बहुत न्यूमरस ऑफ सीट्स हैं जो इधर आ सकती हैं, ठीक है ना। एंड राउंड थ्री में दो तीन चीजें हैं, देखो इससे नीचे जाएगा डेफिनेटली, मैं इसे फाइनल नहीं मानता, थ्री में जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब एनआरआई ये था कि चलो इतने बच्चे आ गए तो बात कुछ और थी जीएमसी की, बट अब तो काफी हालात मतलब बदले हुए हैं, और ये तो हर रोज का अपना अपना सिनेरियो है। अब करंटली क्या लगता है राउंड थ्री में कहां कहां से चीजें आ सकती हैं, मैंने पहले भी आपको दो तीन बार डिस्कस कर दिया ये। राउंड थ्री में एक तो कोई भी रिजर्व कैटेगरी की अगर सीट बची हो, जैसे हैंडीकैप्ड कोटे की हमने बात करी थी। नंबर टू, यार ऐसे भी बच्चे होते हैं जो ना स्टेट में पार्टिसिपेट तो कर लेते हैं, AIQ में वेट करो, वो GMC लेके रख लेते हैं, मतलब GMC की 10,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट भर के रख देते हैं और ऑल इंडिया कोटा में राउंड टू के रिजल्ट का वेट करते हैं। फिर जब राउंड टू का रिजल्ट आता है तब यहाँ स्टेट की चॉइस फिलिंग चल रही होती है, अगर उनकी चॉइस फिलिंग भरी रह भी गई, वो वन में फ्री एग्जिट ले लेते हैं, टू में पार्टिसिपेट करते हैं और AIQ का वेट करते हैं। AIQ के सेकेंड राउंड में अगर उनको अच्छी सीट मिल गई तो इधर अगर उन्होंने चॉइस फिलिंग नहीं भरी तो कोई बात नहीं, अगर भर भी दी तो ज़्यादा से ज़्यादा GMC आ जाएगा उनको, 10,000 रुपये फॉरफिट हो जाएंगे। तो ऐसे बच्चे फॉरफिट कराते हैं बहुत सारे, मैंने देखा है GMC की फीस भर के 10,000 वो फॉरफिट करा लेते हैं कि ऑल इंडिया में देख लेंगे। तो वो जो सीट्स हैं वो भी राउंड थ्री में बचेंगी, राउंड थ्री में वो भी आ सकती हैं। दूसरी बात, राउंड थ्री में जो हमने पहले ही बात कराई कि कोई रिजर्व कैटेगरी की, तीसरा NRI केस, तो ये बहुत सारे पॉइंट, सॉलिड पॉइंट बचे हुए हैं जो इसको और नीचे लेके जा सकते हैं। कहाँ तक जाएगा हम डेफिनेटली बात करते ही रहेंगे यार इसके ऊपर,
ठीक है ना, एक अच्छी चीजें हैं ये, तो हम डेफिनेटली करते रहेंगे। पर अभी फिलहाल राउंड 3 का सिनेरियो, एकदम से मैं यूं ही कुछ बोल दूंगी ये इतना आएगा जी, तो बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, चीजें जैसे हालात होंगी हम वैसे वैसे बात करते रहेंगे। फिलहाल ये राउंड 2 का सिनेरियो है, राउंड 3 के लिए स्टे पॉजिटिव, और वैसे भी पॉजिटिव रहिए, कोई नहीं, अभी जो चल रहा है उसे का आनंद लीजिए, कोई नहीं, डोंट गेट प्रेशराइज, बिकॉज सही ढंग से माइंड को स्टेबल रख के इसे चॉइस फीलिंग को और राउंड 2 को अटेंड करिए। क्या होना है, जैसे जैसे होगा हम डेफिनेटली अपडेट करते रहेंगे। टिल देन किसी को कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।